मेष राशि, आज आपका मन अटकलों और अनावश्यक चीजों की ओर भागेगा, परंतु फिर भी आपकी केंद्रित रहने की क्षमता काफी मजबूत रहेगी। आप कम से कम समय में अधिक से अधिक काम खत्म करने के क्रम में घर पर ही अपने कार्यालय डेस्क पर रहेंगे। हालांकि घर पर काम करने में अधिक समय, ऊर्जा और पैसे का ह्रास होगा। आप कुछ सामान या खाद्य सामग्री मंगवा सकते हैं या कुछ ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। वृषभ राशि, काम करते हुए आप एक विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाते हैं। ये आपका सकारात्मक पहलू है और इस सप्ताह के अंत में आपका दृष्टिकोण मौद्रिक लाभ में बदलेगा। जोड़ तोड़ से बचें और जो भी करें ईमानदारी से करें। आपके काम की गुणवत्ता आपके काम की मात्रा के बजाय ज्यादा महत्व रखेगी। वफादारी स्वागत योगनी होगी, जो किसी भी मुश्किल स्थिति से आपको बाहर निकाल देगी। मिथुन राशि, आपको धैर्य से अब लाभ मिलने लगा है। आप एक लंबे समय से इसके लिए इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आपने कभी अपनी मेहनत को पीछे नहीं रखा और अवसरों की तलाश करते रहे। धीरे धीरे जो आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है। आप संयमित रहे, इन लाभों का आनंद लें, लेकिन साथ ही साथ आसपास के लोगों से विनम्र रहें। आप किसी यात्रा पर आज जा सकते हैं एवं अपने आप को उपहार दे सकते हैं। कर्क राशि, आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते हैं। आज आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके लिए पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत सलाह भी मिल सकती है और आप वो सब पा सकते हैं जो अपने बलबूते पर पाना इतना आसान नहीं था। सिंह राशि, आपके कार्यस्थल पर तनाव का माहौल है। ये तनाव का माहौल आपकी वजह से नहीं बल्कि व्यापार में कुछ भारी नुकसान की वजह से हो सकता है। अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा ना भरे बल्कि इसके बजाय नकारात्मक विचारों की इस लहर के घेरे में आ रहे हैं उन सभी लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें। आपके खर्चों का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आवश्यक धन की प्राप्ति आज हो सकती है। कन्या राशि, रोजगार और आय के नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। आपको आगे बढ़ने के काफी अवसर मिलेंगे, जिसको लेकर आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा विकल्प आपके लिए अच्छा है, जिसे लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। आज परिवार और कार्यक्षेत्र में संतुलन बिठाना मुश्किल हो सकता है और आप अपने कार्यक्षेत्र को परिवार की तुलना में ज्यादा महत्व देंगे। तुला राशि, आज आपको अपने कार्यकाल पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष उपयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जोर से शिकायत या किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीति और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। वृश्चिक राशि, आज आप एक साथ कई परियोजनाओं के बोझ तले दबा हुआ महसूस करेंगे। आप अपने कार्य को कुछ देर से शुरू कर पाएंगे क्योंकि काम के बोझ से आप अपने को थका हुआ महसूस करेंगे। आप एक के बाद एक काम के कारण अपने आप को दुष्चक्र में फंसा हुआ महसूस करेंगे। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और यदि संभव हो तो एक ब्रेक लें या संक्षिप्त समय अपने लिए निकालें। आपकी वित्तीय स्थिति आज काफी मजबूत है और आपको आज अपने पैसे के निवेश पर ब्याज भी मिल सकता है। धनु राशि, आपको सर्वशक्तिमान के संदेश अपने किसी निकट के व्यक्ति से मिल रहे हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील रहें और निर्देशों का पालन करने की कोशिश करें। आपको अपने कार्य योजना में परिवर्तन करना होगा ताकि कोई गलती ना हो जिसे आप पूर्ववत नहीं कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति और खर्च में अच्छा संतुलन बना रहेगा। हालांकि आप खर्चीले साबित हो सकते हैं, परंतु अब अप्रत्याशित स्रोतों से आय का सृजन होता रहेगा। मकर राशि, अप्रत्याशित धन की प्राप्ति के आज योग बन रहे हैं। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था। आज आप अपने निष्क्रिय निवेश के ऊपर भी ध्यान दें क्योंकि वहां से भी आपको आज शुभ संदेश मिल सकते हैं। अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और जिसे आप लगभग भूल चुके हैं तो वहां से भी धन वापसी का शुभ संदेश आज मिल सकता है। कुंभ राशि, आज इस बात के जबरदस्त संकेत है कि आप अपने कार्यक्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं या आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी दिशा का बदलाव हो सकता है। अभी तक आप जिस चीज के शौकिया तौर पर लेते थे वही चीज आपके लिए धन उपार्जन का रास्ता बन सकती है। यहाँ तक कि आप अपनी नौकरी भी इस काम के लिए छोड़ सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत जोखिम भरा काम लग सकता है, लेकिन इसके परिणाम आगे जाकर काफी उत्साहित करने वाले होंगे।
इस चीज में समय लग सकता है, पर धन की दृष्टि से ये काफी उत्साहजनक होगा। मीन राशि, आज आप बहुत आत्मविश्वास महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी अनिश्चितता को छुपा के रखें। भ्रम की अपनी भावनाओं को छुपा के रखें, अन्यथा लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे और आप एक महत्वपूर्ण समझौते से हाथ धो सकते हैं। आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखने की जरूरत है ताकि आपका भाग्य ठीक और गतिमान रहे। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आप में क्षमता है, लेकिन आप में विश्वास की कमी झलक रही है, जिसे दूर करने की आज सख्त जरूरत है।